हुआ सूरज और अस्त होते हुए सूरज की भी पिक बहुत अच्छी आती है। ये है मॉर्निंग का व्यू। इस वक्त 7 बज रहे हैं, ये देखिए। सामने फोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं चौधरी खू के मंदिर। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मम्मी जा रहे हैं साथ में। ये है मम्मी, ये देखो गाय घूमती रहती हैं गलियों में। ये सबसे फेमस शॉप है गोगी स्वीट। ये मंदिर और इस पेड़ पर रहते हैं बंदर बहुत सारे, तो अब इस मंदिर के आसपास जाला लगवा दिया है। खाना अंदर से बंद करना पड़ता है, बंदर आ जाते हैं, बहुत खराब बंदर हैं। ये है माता जी का मंदिर। ये खुली के अंदर, ये देखिए, ये है चौधरी खू वाली माता। और इसकी बैक साइड में शिव मंदिर। ये पेड़ पीपल का बहुत पुराना है। ये है शिव मंदिर। यह हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, ये जो रास्ता गया नीचे, ये न्याजपुर की साइड जाएगा और इस तरफ का जो रास्ता है वो चौगान की तरफ। तो यहाँ एक बहुत फेमस शॉप है जो मैं बता रही थी ना, चने पूरे वाली। ये है गोविंदा चोचे की हट्टी, ये वाली जो बंद है, जहाँ बच्चे हैं ना वहाँ। ये वाला रास्ता सीधे चौगान को चला जाएगा। और शनिवार को प्रसाद मिलता है हलवे का। तो बचपन में हम क्या करते थे कि यहाँ लाइन लगा लेते थे मार्केट में और हम प्रसाद ले लेते थे। यहाँ हर आते जाते को प्रसाद मिलता है। तो अब मैं एक और दिखाती हूँ। इसको चौधरी का खू इसलिए बोलते हैं कि यहाँ कुआं भी है। तो ये है इस तरफ कुआं। अब ये दरवाजे लगा दिए हुए हैं और जैसे आप यहाँ पानी भी पी सकते हैं। ये है इस वाले में, ये
ये है, यहाँ एक आंटी बैठते थे और आते जाते सभी को पानी पिलाते थे। तो अब उन आंटी की डेथ हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कुआं है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुआं, यहाँ से हम पानी भरते थे जब पानी नहीं आता था। और ये ऊपर गया रास्ता कचहरी के लिए। कितना नजदीक है ना हमारे घर से शिव मंदिर। ये देखो पोस्ट ऑफिस, जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डाक डाली और ये ले जाते हैं। धान लगाने चली है? ये देखो कौन आया है, ये देखो सिया की दाई माँ है। सिया की दाई माँ है। जब सिया हुई थी ना तो कितनी सेवा की थी सिया तेरी। सच में अच्छी अच्छी करती है मम्मा, अच्छी अच्छी करती है मम्मा। तो नहीं करती है, पापा तो करते नहीं है। जिन जिन को पता चल रहा था कि सिया आई हुई है वो सभी सिया से मिलने आ रहे थे। तो अभी मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। ये है हमारा ड्राइंग रूम और ये मम्मा ने बनाई है, मम्मी ने। तो यहाँ दीवारों पे इतनी सीलन आ जाती है ना, तो देखो सीलन से ये 46 इयर्स ओल्ड ये फोटो है। तो बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं हमारी। ये मेरी फ्रेम, ये देखिए ये मेरी पहली ग्लास पेंटिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी सीलन है ना यहाँ, तो ये देखिए ये गणेशा जी बनाए थे मैंने, और सीलन की वजह से ये देखिए पीछे इतनी सीलन आ गई है ना, ये देखो दीवारों पर। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ मैं इसे। और ये वाली पेंटिंग, तो ये एक पेंटिंग, और यहाँ हमने पार्टीशन में ये पूजा रूम बनाया है। एक्चुअली ये बहुत पुराने देवी देवता है, तो मम्मी स्थान बदलने के लिए मना करते हैं। ये और यहाँ कुल देवी है, तो इस वजह से ये हमने पार्टीशन बना दिया। ये मम्मी की है, ये देखिए कितनी पुरानी है चंबा एम्ब्रॉयडरी। और बहुत पुरानी है, थोड़ा लाइट में दिखाती हूँ। तो ये है चंबा एम्ब्रॉयडरी, इसकी जो बैक साइड है ये देखिए, और ये 46 इयर्स ओल्ड है ये। तो अब इसमें भी देखो ये खराब होना शुरू हुई है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। ये एक मेरी ये वाली पेंटिंग, ये देखिए, तो इसके भी बैक साइड में बुरा हाल है। तो ये मम्मी ने बनाई थी चंबा एम्ब्रॉयडरी की पंखी, दोनों साइड सेम।
तो ये है हमारी फैमिली पिक, ये मेरी ग्रेजुएशन के बाद की है। पापा, मम्मी, ये मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। ये मेरे से छोटी सिस्टर, ये सबसे छोटी जो यहाँ है, और ये ब्रदर। मेरी शादी इन दोनों सिस्टर्स के बाद हुई है, इसका कारण मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और साथ में जैसे जैसे रूम्स की सेटिंग होती जाएगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम, ये देखिए कितनी सीलन है। ये देखिए, इन सीलन की वजह से ही बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये देखिए, यहाँ रिलेटिव्स हैं नूरपुर में, नियाजपुर वाली साइड रहते हैं। जब उनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ तो उन्होंने ये बबरू भेजे। ये देखिए, ये है मीठे बबरू और ये है नमकीन। वो एक्चुअली मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हैं तो उनको आता है बबरू बनाना, तो उन्होंने ये भेजे हैं। तेरी मम्मी को ये सब आता है? सब कुछ बना लेती तेरी मम्मी? हाँ, सरप्राइज भी बना लेता है। वाह, ग्रेट तेरी मम्मी। आज अहोई अष्टमी है और इस दिन चढ़ाते हैं गन्ना, मूली और पूजन करते हैं माता का। अहोई अष्टमी का व्रत होता है बच्चों के लिए। पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने पर दीवार पर रसोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाले की होई बनाए, उसमें चांदी की मोती दान हो गए, बच्चों के गले में पहना रहे हैं। जो बयान प्रसाद देखो, चलो सिया तुम भी खा लो। तो अब ये खाना हम खाएंगे गरम करके, जिसमें होता है ये गन्ना और मूली और ये दाल चावल। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम जा रहे हैं कहीं। यस, अब मैं घर के राइट साइड वाले रास्ते में जा रही हूँ। कुछ चल रहे? हेलो, हाय। ये मेरे मोहल्ले का शिव मंदिर है और साथ में ही कुआं है, और ये सभी मेरे मोहल्ले की लेडीज हैं। आज अहोई अष्टमी है तो इसलिए सभी इकट्ठे होकर ब्रजराज स्वामी मंदिर में कीर्तन के लिए जा रही हैं। मैं भी आपको ब्रजराज स्वामी मंदिर दिखाऊंगी, आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहना। अब ये जो राइट साइड दीवार है, हेरा कम्युनिटी हॉल है जो इसी मोहल्ले में है। अभी फ़िलहाल ये बंद है, जब मैं सिया को लेकर आऊँगी तब आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अब पहुँच गई हूँ मैं यहाँ तालाब। किले वाले मंदिर में जाने के लिए भी यहाँ दो रास्ते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आप दोनों में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। और ये सभी लेडीज़ रोज़ाना आरती के लिए मंदिर में जाती हैं। अब मैं आपको नूरपुर का पार्क दिखाती हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए हार्डली 2 मिनट लगते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये हमारा बचपन का पार्क, अब ये जो अब ओपन जिम बन चुका है। तो ये है तालाब। ये देखिए यहाँ से व्यू, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है।
यहाँ हम बहुत खेले हुए हैं बचपन में। अब तो इसका ढांचा ही चेंज हो गया है, पहले तो बहुत कुछ था। यहाँ वाल्मीकि मंदिर भी है, यहाँ पार्किंग है सामने, ये सामने पार्किंग है। तो ये देखो ओपन जी, यहाँ यहाँ सब लगे हुए हैं, यहाँ खेलने के लिए भी है। तालाब के आसपास पार्किंग ही पार्किंग। बहुत पुराना पेड़ है ये, बहुत पुराना, लगभग 100 साल से भी पुराना। और ये सामने वाला भी, ये भी 100 साल पुराना है पेड़। और ये है वाल्मीकि जी का मंदिर। ये देखिए जो रामायण के रचयिता, ये उनका मंदिर है। सबसे खूबसूरत तो ये है दृश्य, ये देखिए। जब ये तालाब में तैरती है ना तो बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए ये देखिए, हाँ जी नूरपुर का कल्चर दिखाती हूँ। हाँ जी हाँ जी, तभी मम्मी को भेज दिया मैंने आगे ना, मैं कहा आप जाओ मैं आई। यहाँ नूरपुर में मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। मैं आपको एसडीएम ऑफिस के अंदर एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये है डिस्पेंसरी, ये देखिए। और अब मैं जा रही हूँ शिव मंदिर, तो मम्मी पहले पहुंच चुके हैं वहां। तो ये है शिव मंदिर, जाते हैं शाम को, पहले सुबह भी आते थे पर अब चौधरी वाले खूह में जाते हैं। मंदिर के बाहर दिखाती हूँ, यहाँ ये देखिए, ये देखिए यहाँ है शीतला माता, शीतला माता का मंदिर। ये थोड़ा अंधेरा है यहाँ इस साइड, और यहाँ गणेश जी। ये गरुड़ देवता जी, ये मंदिर ना बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100 साल क्या, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा टाइम पुराना है। ये नूरजहां के टाइम का है। हैं? अच्छा नूरजहां के टाइम का है। ये देखिए 6:30 बज गए हैं। अच्छा
नंदी बैल जी के कान में अपनी मनोकामना बोल सकते हैं जो आपको चाहिए। त्रिशूलम प्राणी भजे एक और मंदिर जानत सभी हम चलते हैं वापस। देखिए यहाँ भी दरवाजा लगाया हुआ है, बंदर बहुत ज्यादा है। ये मंदिर ना बहुत पुराना है, नूरजहां के समय का है। एक और मंदिर है यहाँ, क्यारू बाबा जी का मंदिर है। ये दिखाती हूँ आपको, और ये देखिए यहाँ से व्यू। वो देखिए बतख तैर रही है, ये देखिए। और ये देखिए पार्क जो मैंने आपको दिखाया था, इतना नज़दीक है। अब सभी लोग बिजरा स्वामी मंदिर में आरती के लिए जा रहे हैं शाम की, तो वहाँ मैं आपको फिर कभी ले चलूँगी। जा रहे हैं सत्यनारायण मंदिर, एग्जाम के दिनों में इन मंदिरों में हम रोजाना आते थे। और जन्माष्टमी पर इस मंदिर में झूला डलता है यहाँ इस पेड़ पर, तो हम झूलते थे। अब शाम की आरती का टाइम हो गया है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।